चांदनी से नूर के घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। वाह, क्या जगह चुनी है अमोली और ठाकुर ने नैना चार करने की। देखिए ना, इस काल कोठरी में घास के पीछे छिपकर दोनों के दोनों रोमांस में बिजी हैं। हल्के हल्के बोल, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोल, हल्के। ओह नो, गुंडे भी आ गए। अब क्या होगा इन दोनों की गुटरगू का। अरे ये क्या, गुंडों से डर नहीं लगता आपको? अब भी एक दूसरे से नजरें हट ही नहीं रही। ये खास के अंदर कोई होगा, ये खास के अंदर जरूर कोई होगा। चलो कम से कम अमोली को तो रियलाइज हुआ कि इनकी जान खतरे में है। अब मेरी वजह से यहाँ है, अगर इसके बाद आपको एक भी करो चाहिए ना, तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूँगी। वैसे एक बात बताइए अमोली जी, आप दोनों यहाँ तक आए कैसे? हुआ है कि मैं और दिग्विजय खाई से गिर गए हैं और काफी चोटें आई हैं हम लोगों। बलवंत के आदमी है, वो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ जाते हैं और हम लोग दोनों छिप रहे हैं और इस छिपने में भी हम लोग की नजदीकियाँ बढ़ रही है। दोनों जल्दी करो, बाप रे, लगता है ये गुंडे आज ठाकुर की जान लेकर रहेंगे। लेकिन ठाकुर दिग्विजय सिंह तो ठाकुर ठहरे, इतनी चोटों के बावजूद अमोली से इश्क लड़ाए जा रहे हैं। देखिए ना, बेचारी अमोली इनकी मरहम पट्टी कर रही है और ये उसे निहार रहे हैं। यार कह दो कि तुम इसे प्यार करती हो, तुम मेरे बगैर जी नहीं सकती। लेकिन अमोली बेचारी कैसे कह रहे कि आपसे प्यार है, क्योंकि अब तो उसको अपना राधे भी वापस मिल चुका है। बेचारी की मुसीबत तो और बढ़ गई है। अमोली बहुत ही कंफ्यूज है क्योंकि दिग्विजय से उसको प्यार हो चुका था, लेकिन अब उसका अतीत उसके सामने आ गया। चलिए चलिए, प्यार व्यार की बातें छोड़िए और इन गुंडों से कैसे निपटना है वो सोचिए। वैसे पर्दे के पीछे तो ठाकुर साहब बड़ा दम दिखाते हैं। देखते हैं कि इन गुंडों से ये कैसे बचते हैं। पूजा त्रिवेदी, मुंबई आज तक।